नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बात कर रहे हैं कर्क राशि के लिए 1 अगस्त से 7 अगस्त 2019 के सप्ताह कैसा रहने वाला है। साथ ही मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो अभी आगे वीडियोज आए, नई नई वीडियोज आए, वह सब आप तक पहुंच सके। तो कर्क राशि के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि यह पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। 1 तारीख को चंद्रमा आपके लगन में रहेंगे, तो बेहद शुभ स्थिति बनती है। हालांकि भावुकता इस समय अधिक रहेगी, फिर भी सुख का समय रहेगा। 2 और 3 तारीख को ये आपके सेकेंड हाउस में चले जाएंगे, जहाँ से आपको कुटुंब विरासत, आपके सकारात्मक विचारों को दर्शाया जाता है। तो एक सकारात्मक रहेगी आपकी बातों में, आपके व्यवहार में, जिससे आप खुद भी खुश रहोगे और दूसरों को भी खुश रखोगे। 4, 5 और 6 तारीख की आपके थर्ड हाउस में है, यानी कि पराक्रम भाव में है, तो ये समय आप मेहनती रहोगे और भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। 7 तारीख को मिली जुली स्थितियाँ रहेगी, क्योंकि चंद्रमा 4th हाउस में जाएंगे। हालांकि ये माँ का घर है, सुखों का घर है, फिर भी मानसिक अशांति थोड़ी बहुत रह सकती है, अधिक परेशानी नहीं रहेगी। वहाँ चलाते समय आपको सावधान रहना है और कोई भी बड़े निर्णय आप इस दिन में ना लें। बाकी समय बेहद ही शुभता भरा है, परिवार में हंसी खुशी रहेगी और अधिक समय अच्छा खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, परिवार की खुशी के लिए पैसा खर्च करने वाले हैं। तो लगभग पूरे ही सप्ताह मुनाफे का समय है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अचानक पैसों का लेन देन होगा और बड़ा अमाउंट आपके हाथ में आएगा इस समय में, जो आपके मार्केट से जुड़े आपके निवेश करते हैं, तो शुभ समय रहेगा। ये समय आप लग्जरियस आइटम के लिए पैसा खर्च करने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हैं तो कामयाबी मिलेगी, और जो लोग भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, आपने माता पिता को खुशखबरी दे पाओगे। इस समय आपका कोई रिजल्ट आना है, इंटरव्यू है, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा और स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में भी लगेगा और अपने भविष्य के लिए आप अच्छी योजनाएं बनाओगे। इस समय यह यात्राएं रहेगी, वह भी शुभकारी रहेंगी, तो आनंद ले इस सप्ताह का। जब भाग्य आपके और उपाय की बात करें, तो सावन माह का भगवान शिव का आराधना करें, जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें शिवलिंग पर, और छोटी कन्याओं को सफेद और मीठी वस्तुएं खाने के लिए दें। इससे आप भी आपके सकारात्मकता बनी रहेगी और ईश्वर आपके दिन शुभ रखे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।